नमस्कार, मैं हूं जूही वर्मा और आप देख रहे हैं Newslivemp.com। क्या ये बहुत जरूरी है कि किसी ने आपका अपमान किया है तो उसका जवाब अपमान से ही दिया जाए, वो भी इस कदर अपमान की बाद में आपसे ही सवाल होने लगे कि भाई जिस मर्यादा की तुम दुहाई पिछले दिनों से दे रहे थे वो मर्यादाएं खुद क्यों भूल गए। ये पूरा जो संदर्भ है ये जुड़ा है इमरती देवी के एक बयान से। आपको याद होगा पिछले दिनों जब कमलनाथ डबरा में गए थे, कांग्रेस से जो मुख्यमंत्री रहे मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ, जब डबरा में चुनाव प्रचार के लिए गए थे अपने प्रत्याशी के पक्ष में, तब उन्होंने कुछ ऐसी बात कह दी थी इमरती देवी के बारे में, ऐसे अपशब्द कह दिए थे जिस पर बाद में काफ़ी बवाल हुआ था और राष्ट्रीय स्तर तक मामला पहुँचा था। हालांकि कमलनाथ ने भी अपना रुख साफ करते हुए खेद जताया लेकिन माफी नहीं मांगी, ये कहते हुए कि जो उन्होंने कहा उसमें कुछ गलती नहीं है। कमलनाथ ने जो एक बार कहा उस पर बवाल आया लेकिन उसके बाद इमरती देवी बार बार कमलनाथ के लिए अपशब्द कह चुकी हैं। वो इस बीच में वही शब्द जो उन्हें बहुत बुरा लगा था भरे मंच पे वो सिंधिया से लिपट लिपट के रोई थी, उसी शब्द को उन्होंने कमलनाथ के परिजनों के लिए, उनकी माँ और बहनों के लिए इस्तेमाल किया। क्या ये सही है? इस सवाल का जवाब इमरती से पूछा जाना चाहिए। बात सिर्फ यहीं पर खत्म नहीं हुई, अभी वो फिर उसके बाद एक और सभा में गई, वहाँ पर फिर कमलनाथ का नाम आया और उसके बाद उन्होंने फिर से कमलनाथ के लिए इस तरह के शब्द कहे जिन्हें यहाँ पर मैं बोलना भी उचित नहीं समझती। तो फिर सवाल होना चाहिए इमरती देवी से कि अपने भोलेपन, अपनी सादगी की आड़ में वो कितनी बार ऐसे शब्दों का प्रयोग करती रहेंगी और कब तक कांग्रेस जो है वो इन शब्दों पर शांति बनाए रखे। ये सवाल का जवाब इमरती देवी या उनके आका ज्योतिरादित्य सिंधिया से पूछा जाना चाहिए। यहाँ पर भी मामला खत्म नहीं हुआ। जब इमरती देवी अपने फ्लो में बोलती चली गई, वो एक जगह चुनाव प्रचार में गई, वहाँ पर वो कुछ किसानों से घिर गई जो उनसे कुछ बातें पूछना चाहते थे, जानना चाहते थे कि जो वादे किए गए वो पूरे कब होंगे। वहाँ पर इमरती देवी ने अपने पुरानी ठसक के साथ कहा कि तुम किसी की चिंता मत करो, इमरती देवी तुम्हारे लिए मंत्री बनी है, तुम लोगों के लिए सरकार में आई है। और इसके बाद जब बात हुई तो इमरती ने यहां तक कह दिया कि पार्टी गई भाड़ में। ये किस तरह का बयान है और इसे क्या घमंड कहा जाए, क्या अहंकार कहा जाए, या जीत का इतनी ज्यादा अति आत्मविश्वास है कि अब पार्टी से कोई लेना देना नहीं है इमरती का। हालांकि इसमें कांग्रेस का दूसरा रुख है, कांग्रेस ने इस पर चुटकी लेते हुए ये कहा है कि अब इमरती देवी को भी समझ में आ गया कि दल बदलने से वो घिर चुकी है इसलिए पार्टी की बात नहीं करना चाहती। इमरती देवी ने क्या कहा पहले वो सुनिए। जहाँ इमरती देवी खड़ी हो जाएगी वो हिंदुस्तान खड़ा नहीं हो जाएगा। बार इनके संगे इमरती देवी तुम्हारी हमारी लड़ाई जीवन में लड़ाई लड़ी भाई की जाए बाहर में। जब इमरती देवी ने ये बयान दे दिया तो उसके बाद उनकी सफाई भी आई जिसमें उन्होंने ये कहा कि वहाँ पर कुछ लोग मौजूद थे जो कांग्रेस की बात कर रहे थे इसलिए इमरती ने कहा कि पार्टी गई भाड़ में। लेकिन जब आप बात पूरी सुनेंगे तब आपको कहीं ऐसा नहीं लगेगा कि वो कांग्रेस या बीजेपी के लिए कहा गया है। अब इमरती का इसमें जो भी कहना है वो सफाई भी दे चुकी है, मामला बीजेपी और इमरती के बीच में है, उन्हें तय करना है कि किस तरीके से इन सब मामलों पर एक्शन लिया जाना चाहिए। नमस्कार।